एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 27 एंड आज हम वेजिटेबल फार्म आए हैं। एक्चुअली फर्स्ट ईयर में, सेकंड सेम में ये कोर्स होता है डीएसएफ का, तो मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। और हम हेलो आयुषी, हेलो आंसल। सो ओ वाओ नाइस, फॉग जैसा है ना, मिस्ट दिख रहा है, वाओ। फॉगिंग सिस्टम। सो हाय मुस्कान, मुस्कान कैसा लग रहा है आपको? मुस्कान बोलो ना, कैसा लग रहा है आपको? गर्मी लग रही थी। सो अक्षित और आदित्य और आशुतोष और जैस्मिन, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? गाइज, अब हमने देख लिया है फार्म, अभी तो देखा ही है, अभी पहली बार था तो अभी हम सीखे तो कुछ भी नहीं है, बट अभी हमें थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि चीज़ें कैसी होती है। तो अब हम सबसे रिव्यू लेंगे कि उनको पहली बार वेजिटेबल फार्म आके कैसे। सबसे पहले बताएंगे, बहुत अच्छा लगा, देख के सुना था, अभी आज देख लिया थोड़ा खुला अगर वेजिटेबल उगाना रहे तो बेस्ट चाहिए स्टार्टअप के लिए। हाँ, पर मतलब ये है कि था बहुत हाईटेक, मतलब ए सी भी लगाया अंदर, अच्छा था, गुड एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, मुझे तो मजा आ गया। एक्चुअली आई गॉट अ कंटेंट फॉर माय ब्लॉग। और चिराग जी, ये हमारे चिराग सोनी जी, सोनी कंपनी ने किया है। बैठ गया पर 88 लाख देख के। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये हाइड्रोपोनिक्स देखने चलो। अभी ये क्या था? ये आपको पता नहीं, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, ये हाइड्रोपोनिक्स पानी में होता है, ये सॉयल थी। तो हम आ गए, अब अगले पॉली हाउस पे आ गए हैं। हम यहाँ पे आ गए हैं और क्योंकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन पता भी चल रही थी ना कि हाइड्रोपोनिक्स कैसे करते हैं, पहली बार देख रहे हैं सब, तो धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े बच्चों को बुला रहे हैं ताकि जो टीचर है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, यू नो, एक्सप्लेन। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर जाके कैसा लगा? शर्मा क्यों रहे हो तुम लोग? चल दस्तू से पूछो, ये नहीं शर्माएगी। चलो, डर लग रहा है, मोक से पूछो, जब उसे पूछो क्या नाम है। दिव्या, आरती आप बताओ, बाकी छोड़ो। अटेंडेंस की बढ़िया बस कर, जूते खोल के जाने। पानी
एक बार हमने यहाँ पर लेटर लगाया, दूसरे दिन अगर पांच डे लगाएंगे या दूसरा चीज जरूरत है तो उसी के थ्रू इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। यही पे डाल देंगे, फिर क्या होगा ये अपनी वैल्यू यही पे सारा डाटा यही देखेंगे आप। ये सारी ये जो है अल्टीमेटली वहाँ पर कंप्यूटर में भी सेव हो जाते हैं। नहीं पानी के साथ ये सब चीजें आएंगी, अभी खाली की है सिर्फ हमने जैसी है, ये पूरे का पूरा खाली करेंगे, इसको सीट को शॉक करेंगे बाहर सेट का माइथिलीन के साथ इसको स्प्रे करेंगे, फिर नया पानी डालेंगे और उसे 15 दिन के बाद चेंज कितने 15 दिनों बाद नहीं करेंगे, थोड़ा ऊपर उठ जाए ना ये बस इतना हमारे रोटेट करते हैं। ज्यादा भरेंगे तो उसमें क्या करेगा, लोड डलेगा ज्यादा, तो फिर जो वेस्टेड वाटर होता है कहीं से वो लीकेज करेगा, तो थोड़ा नॉर्मल ही भरते हैं। बाकी का यहाँ वहां पे भी लगा हुआ पानी, ये देखो यहीं से अगर हम इसे छोड़ेंगे तो वो देखो वो वहां से पानी चल पड़ा, यहाँ से यहीं जाएगा घूमता रहेगा। अच्छा घूम रहा मतलब पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, पानी ये देखो पानी आ रहा है जो भी यहाँ से उठा रहा है, ये पंप कमर्शियल पंप लगा, ये चिल्लर लगी हुई है ठंडा करने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए, और ये चिल्लर सिस्टम है, ये जो रिंग बना हुआ है आप देख रहे हैं इसमें तांबे का है चिल्लर सिस्टम, इस तरह से पानी खराब नहीं हो रहा, मतलब हाँ पानी खराब नहीं होगा ना इसमें और वेस्टेज भी नहीं होगी। ये एयर बबल है देखिए, ये आपकी एयर बबल बन रहे हैं तभी इसमें पानी में ऑक्सीजन बनेगा, इस तरह से हवा से पानी बनाते हैं उन लोगों के पास, इतना जितना पानी हमारे पास है उनके पास हो तो वो तो पूरी दुनिया को ये अनाज पैदा करके देते हैं, हम यहाँ पे देश से ज्यादा करते हैं। सो गाइज हम VSF के फार्म से वापस आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 12:32 और 1 बजे लंच होता है, तो अब हम लंच करने जाएंगे अपने अपने हॉस्टल में, बहुत भूख लग रही है अब तो। फिर आज का भी रैंडम ही ब्लॉग बन गया, एक्चुअली मैं प्लान करके नहीं चलती हूँ बट अगर मुझे कंटेंट मिल रहा है तो मैं कुछ तो दिखाई सकती हूँ। आई होप आप मुझे सपोर्ट करोगे, आई नो उतनी अच्छी एडिटिंग अभी नहीं होती है, उतनी मैं प्रो भी नहीं और इतना मुझे पास टाइम भी नहीं कि मैं बहुत अच्छे से कुछ कर पाऊँ, बट या इट्स जस्ट इनिशिएटिव कि लोगों को पता चले कि CS के में एक्टिविटीज कैसे होती है। सो आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, और इफ यू लाइक दिस वीडियो दैन लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज, थैंक यू। नेहा विद कैमरामैन मोहित एंड हरिओम साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइज।